और अमेरिका ने उत्तर कोरिया को लेकर एक बड़ा दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि किम जोंग उन किसी भी वक्त एटमी टेस्ट कर सकता है। दावा है कि जो बाइडेन के पूर्वी एशिया में रहते ही किम जोंग परमाणु परीक्षण कर सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या किम जोंग एशिया में बाइडेन का एटमी वेलकम करेगा। जब जो बाइडेन दक्षिण कोरिया में घूम रहे हैं, सियोल में लोगों से मिल रहे हैं, तब वहां से महज 195 किलोमीटर दूर जिद्दी तानाशाह महाविनाशक बम का परीक्षण कर उनके बारूदी स्वागत की तैयारी में प्योंगयांग में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी चल रही है। तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेकाबू बारूदी सनक के लिए कुख्यात है, जो सुपर पावर की धमकी को अपनी मर्जी पर रखता है। अपनी आवाम को भूखा रखकर मिसाइल और एटम बमों का जखीरा तैयार करने वाला किम जोंग नए धमाके के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने दावा किया है कि बाइडेन के पूर्वी एशिया में रहते हुए किम जोंग एटमी टेस्ट या लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण या फिर दोनों कर सकता है। ২০১৭ में आखिरी बार किम जोंग उन ने एटमी टेस्ट किया था। अब एक बार फिर वो शांति को दरकिनार कर अपने विध्वंसक इरादों को पूरा करने वाला है। इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही है। मई के शुरुआती हफ्ते में उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र में 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जबकि साल के शुरुआत में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करके किम ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। अमेरिका ने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का खुला उल्लंघन बताया था। आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया ने 2006 में पहली बार न्यूक्लियर परीक्षण किया था। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त किम जोंग उनके पास 40 से 50 परमाणु हथियार और वो इसे लगातार बढ़ाने में लगा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।